औषधीय वनस्पतियों की श्रृंखला में आज का विषय यही है, बेल, बिल्व या श्रीफल। इसे रोग मुक्त करने वाला कहा गया है, तभी इसे नाम दिया गया बिल्व। पीड़ा हरने वाला होने के कारण, शांडिल्य और अनेक गुणों से युक्त होने के कारण इसे श्रीफल कहा गया। संस्कृत और अनेक भारतीय भाषाओं में इसे बेल, बिल्व या श्रीफल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वुड एप्पल कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है एग्ले मार्मेलोस। बेल के वृक्ष भारत के लगभग सभी भागों में देखे जा सकते हैं, मैदानी भागों में, तराई वाले क्षेत्रों में और 4000 फीट तक की ऊंचाई पर भी। 15 से 30 फीट ऊंचे कटीले वृक्ष फलों से लदे रहते हैं। बेल के पत्तों में सामान्यतः 3 से 5 पत्रक होते हैं। फूल हरी आभा लिए हुए सफेद रंग के होते हैं। फल गोल होते हैं, पहले हरे और पकने पर हल्के भूरे पीले से हो जाते हैं। बेल का छिलका कठोर होता है, शायद इसीलिए इसे वुड एप्पल कहते हैं। पके बेल को तोड़ने पर मीठा, रेशेदार, सुगंधित गूदा निकलता है। इस कठोर आवरण के अंदर जो गूदा होता है, उसमें अनेक गुण होते हैं। इसके बीज लेसदार होते हैं। बेल का सबसे उपयोगी तत्व है लेसदार गूदा, यानी म्यूसीलेज और पेक्टिन। इसमें शर्करा की मात्रा 46% होती है। इसके बीजों में तेल की मात्रा लगभग 12% होती है। पेक्टिन बेल का महत्वपूर्ण घटक है, चिपचिपा और अम्ल प्रधान है। इसका घोल आंतों के लिए रक्षक के रूप में उपयोगी माना जाता है। यहाँ तक कि अंकुश, कृमि या हुकवर्म को बाहर निकालने के लिए भी सक्षम रहता है। बेल के फल, पत्ते और छाल उपयोग में लाए जाते हैं। गूदा खाया भी जाता है, शरबत भी बनाया जाता है। गूदा और शरबत दोनों ही आंतों को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी माने गए हैं। चूर्ण के लिए तो कच्चा बेल लेते हैं, मुरब्बे के लिए अधपका और शरबत के लिए पका बेल लिया जाता है। बेल के फलों का उपयोग हम अग्नि मानद्य, यानी कि अगर उसमें पाचन शक्ति की कमी हो, उसमें करते हैं। और अतिसार, जिसको हम डायरिया कहते हैं, उसमें भी बेल के फल को काटकर उसमें जो गुद्दा निकलता है, जिसको बेल मज्जा कहते हैं, उसको कूट के चूर्ण बना लीजिए, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। तो बेल के सेवन से हम इन आंतों के रोगों से बचे रहेंगे। बेल अगर हम रोज़ खाएँ अगर, तो हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी,
लेकिन अगर हमको अतिसार है उस अवस्था में अगर बेल का हम प्रयोग करें या डायरिया डिसेंट्री है उस समय बेल खाएं तो डायरिया डिसेंट्री बंद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि बेल जो है वो डायरिया डिसेंट्री अतिसार रोग को शांत करता है, तो वो आंतों की जो क्षमता है पचाने की जो क्षमता है ये उसको इम्प्रूव करता है बेल, और बैक्टीरिया उसमें पनप ना पाएँ बढ़ ना पाएँ ऐसा एटमॉस्फेयर जो इंटेस्टाइन में बनाता है। तो हम ये कहेंगे कि वो एंटीबायोटिक सीधा बैक्टीरिया को मारने वाली बात बेल में नहीं है, लेकिन बेल के खाने से आंतें इतनी सक्षम हो जाती हैं कि बैक्टीरिया का उस पर बुरा प्रभाव नहीं होता। और जैसे बताया कि बेल का शरबत भी प्रयोग में आता है, और इसका जो छाल है पेड़ की, वैसे तो बेल को बचाना चाहिए, लेकिन अगर जब कभी कपट कटता है या गिरता है बेल, उसके छाल को भी संभाल कर रख लेना चाहिए, तो दशमूल में उसका प्रयोग होता है, जिसमें सूजन अगर है तो सूजन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग होता है। और बेल का जो बीजों के साथ जो तेल बनता है वो कान के रोगों में भी उपयोगी है, ये कर्णशूल में इसको प्रयोग करते हैं। और डायबिटीज़ के लिए बेल के पत्तों का जो उपयोग किया जाता है, पत्ते लेकर के दो दिन में सूख जाते हैं, उसका एक चम्मच यानी कि 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम डायबिटी का पेशेंट लगातार लेता रहे, व्यायाम साथ में करता रहे, तो डायबिटी में इसमें लाभ मिलता है। कई विशेषज्ञ शरबत की अपेक्षा कच्चे फल के चूर्ण को अधिक प्राथमिकता देते हैं। बेल की ये खास बात है कि ये कब्ज और अतिसार दोनों में ही उपयोगी है। पका फल कब्ज निवारण हेतु और कच्चे फल का गूदा अतिसार में लाभप्रद है। अलग अलग बीमारियों में इसे लेने की मात्रा तरीका भिन्न है। जब भी लें विशेषज्ञ की राय लेकर ही लें। सूखे बेल, छाल की भस्म, पत्तों का रस, कषाय आदि अनेक रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक गुणों से भरपूर श्रीफल सचमुच ही अपने नाम को सार्थक करता है।